बीए प्रथम वर्ष में आज हम हमारी दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास का ये चैप्टर राजस्थान के लोक देवता। समय समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बलिदानी, उत्सर्ग या परोपकार करने वाले महापुरुषों को लोक देवता या पीर कहा जाता है। अर्थात लोक देवता से तात्पर्य ऐसे महान पुरुषों से है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने जन कल्याणकारी कार्यों, अलौकिक चमत्कारों के साथ ही लोकहित में बलिदान हो गए, जिन्हें वर्तमान में देवताओं के रूप में पूजा जाता है। तो पाठ्यक्रम के आधार पर हमको इस पूरे लेसन में गोगा जी को पढ़ना है, धन्ना जी को पढ़ना है, संत लालदास को पढ़ना है, जम्बो जी और संत पीपा को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गोगा जी। गोगा जी को सर्पदंश के जहर का मुक्तिदाता तथा जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 विक्रम संवत 1003 को ददरेवा में हुआ। इनके पिता का नाम था जीवर सिंह और माता का नाम था बाछल देवी। नागवंशीय चौहान पीर गोगा जी ना केवल राजस्थान बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात प्रदेश के भी लोक देवता है। ग्रामीण अंचलों में इनको सर्पदंश के जहर का मुक्तिदाता अर्थात नागों का देवता माना जाता है। गोगा जी की माता बाछल देवी ने संतान प्राप्ति हेतु ईश्वर की उपासना की, आराधना की। तो संयोग से उस समय गोरखनाथ जी जो तत्कालीन संत थे वो विचरण करते हुए ददरेवा आए और उन्होंने बाछल देवी की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और थोड़े समय के बाद ही उन्हें और उनको प्रसाद रूप में एक गूगल जो एक सुगंधित पदार्थ है वो भी दिया। तो भाद्रपद मास की 9वीं तिथि को माता बाछल देवी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया गूगो। गु प्रथम अक्षर गुरु का और गो प्रथम अक्षर गोरखनाथ का। तो ये इसमें समाहित था पूरे नाम में। कालांतर में यही नाम चल करके हो गया गोगा। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल देवी। जेवर सिंह की वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद गोगा जी ददरेवा के शासक बने। उनका विवाह कोलूमंड की राजकुमारी केल मदे के साथ होना तय हुआ, लेकिन विवाह के पूर्व केल मदे को सांप ने डस लिया। गोगा जी इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने मंत्र पढ़े तो क्या हुआ कि नाग तेल की कढ़ाई में आकर के मरने लगे। तब नागों के राजा ने आकर के गोगा जी से क्षमा प्रार्थना की और केल मदे का जहर उनके शरीर से बाहर निकाला। तब कहीं जाकर के गोगा जी शांत हुए। इसलिए सर्पदंश के उपचार हेतु गोगा जी का आवाहन किया जाता है। जहां गोगा जी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा वहां आज उनकी समाधि है। उस स्थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है। पास में ही एक टीला है जिसको गोरख टीला कहते हैं, जहां नाथ संप्रदाय का एक विशाल मंदिर है। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। वीर गोगा जी युद्ध में चपल सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनबी ने कहा था कि यह तो जाहर
तीन हैं, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होते हैं। गोगा मेडी की बनावट मकबरे नुमा है और इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने समय में वहाँ गोगा जी की प्रतिमा लगाकर उस स्थान को मंदिर का स्वरूप प्रदान किया। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों नवमी तिथि को देश के विभिन्न भागों में गोगा जी का स्मृति दिवस मनाया जाता है। गोगा मेडी में गोगा जी का विशाल मेला लगता है। इस प्रकार गोगा जी जनमानस की आस्था के प्रमुख देवता है। तो ये थे गोगा जी। दूसरे नंबर पे आता है धन्ना जी। संत धन्ना जी ने राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे रामानंद के शिष्य थे। उनका जन्म टोंक जिले के धोबन नामक गांव में सन 1415 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख शिक्षाओं में ईश्वर में दृढ़ विश्वास, ध्यान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की खोज, बाहरी आडंबरों का विरोध तथा जातीय भेदों में अविश्वास आदि मुख्य है। इसके पश्चात धन्ना जी के पश्चात आते हैं संत लालदास जी। ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म अलवर जिले के धौली धूप गांव में सन 1540 में हुआ था। सत्संग के प्रभाव से उत्पन्न विचारों का इन्होंने जनमानस में काफ़ी प्रचार प्रसार किया। लालदास जी कबीर तथा दादूदयाल के विचारों से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इस संप्रदाय के विचार इनके विचारों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये ईश्वर को राम की संज्ञा देते हैं तथा राम नाम के जप व कीर्तन पर अधिक महत्व देते हैं। इन्होंने अंधविश्वास और नैतिक पतन के वातावरण से सामाजिक दशा को सुधारने हेतु प्रेरित किया, जिससे सांप्रदायिकता, संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरूतियों को मिटाया जा सके। तो ये थे संत लालदास जी। अब इसके बाद आते हैं जम्बोजी। जम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट तथा माता का नाम था हंसा। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बचपन से ही ये मननशील थे, जिससे ये कम बोलते थे। साधारणतः इस स्थिति को देख करके लोग इनको गूंगा कहते थे, परंतु कभी कभी वे ऐसी बात कह देते थे जिसे सुनकर के लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। संभवतः इन अचंभित करतूतों के कारण लोग इनको जम्बोजी कहते थे। बताया जाता है कि 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें गाय चराने भेज दिया गया और इस काम को लगभग वे 16 वर्ष की अवस्था तक करते रहे, 16 वर्ष की उम्र तक करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और अपना सारा समय
सत्संग तथा प्रभुचर्या में हरिचर्या में व्यतीत करने लगे। जम्बो जी केवल मननशील ही नहीं वरन उस युग की सांप्रदायिकता, संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरूतियों को दूर करने के प्रति भी जागरूक थे। वे चाहते थे कि अंधविश्वास और नैतिक पतन के वातावरण से सामाजिक दशा को सुधारा जाए और आत्मज्ञान के द्वारा कल्याण के मार्ग को अपनाया जाए। दान, तीर्थ आदि के संबंध में उन्होंने उपेक्षा करते हुए शील स्नान को उत्तम बताया, पाखंड को अधर्म और पवित्र जीवन को धार्मिक जीवन बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित आडंबरों और रूढ़ियों का खंडन कर धर्म का वास्तविक रूप जनता के समक्ष रखा। जम्बो जी की शिक्षाएं 20 और 9 अर्थात 29 थी और इनका पालन करने वाले कहलाए बिश्नोई। 20 और 9 इनका पालन करने वाले कहलाए बिश्नोई। जम्बो जी की मृत्यु तलवा गांव में 1526 ईस्वी में हुई। उनके स्मरण में बिश्नोई भक्त फाल्गुन मास की त्रयोदशी को वहां एकत्रित होते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जम्बो जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 120 शबद वाणी में संकलित है। उन्होंने जम्ब सागर, जम्ब संहिता तथा बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की। जम्बो जी एक श्रेष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने गाय एवं पशुओं के वध पर रोक लगाई। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों के काटने पर उन्होंने रोक लगाई और वृक्षारोपण पर उन्होंने बल दिया। तो ये थे जम्बो जी। और इसके बाद आता है संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म, संत पीपा जी का जन्म का समय है 1400। संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ और उनका जन्म उस समय हुआ जब समाज विभिन्न कुरूतियों तथा अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। चैत्र मास की पूर्णिमा को गागरौन के राजा खीची चौहान कड़ावा राव के यहाँ पे उनका जन्म हुआ 1425 ईस्वी। इनकी माता का नाम था लक्ष्मीवती। संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गागरौन दुर्ग की बागडोर संभाली। इनकी छवि प्रजा में एक धर्मनिष्ठ प्रजापालक के रूप में थी। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को करारी हार दी। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने करारी हार दी। भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रताप सिंह ने राजगढ़ अपने भतीजे को सौंप दिया तथा संत रामानंद के
शिष्य बनकर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इनके गुरु ने इन्हें लोक हितार्थ सभी जनता से प्रेम भाव रखने व दूसरों को प्रेम का पाठ पढ़ाने का उपदेश दिया, तभी से वो संत पीपा कहलाए। संत पीपा ने जनता को भक्ति का संदेश दिया, निर्गुण विचारधारा का प्रचार किया, समाज में व्याप्त बुराइयों और असंगतियों को दूर करने का प्रयास किया, जाति पात ऊंच नीच व छुआछूत की भावना से ग्रसित लोगों से इसे दूर रहने को प्रेरित किया। इस प्रकार संत पीपा दया, ममता और सेवा की प्रतिमूर्ति थे। उनका अंतिम समय गागरौन में ही व्यतीत हुआ। 1441 विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल नवमी को इनका देहावसान हुआ। पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, पूज्य मानता है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में संत पीपा का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष विशाल मेला आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर के मसूरिया पै गढ़गागरौन में भी संत पीपा का मेला भरता है। संत पीपा का एक दोहा है, उनके अनुसार परमार्थ के कारण जिनको जीवन अंत पीपा सोई सतपुरुष सोई सच्चो संत। तो ये थे राजस्थान के लोक देवता जिनको आज हमने पढ़ा।